AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस AI की हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस बना रहे हैं और कुछ ही दिनों में उन्होंने इंटरनेट भर दिया ऐसी इमेजेस के साथ। पर एज ए ब्लेंडर आर्टिस्ट क्या हम ये AI की जो टेक्निक है उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब है जी हाँ बिल्कुल। और वो कैसे करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो AI की टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसे हम कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज। इस टेक्निक में हम जो AI जनरेटर है उसमें हम कुछ वर्ड्स डालते हैं और फिर वो जनरेटर हमें उन वर्ड्स की हेल्प से एक इमेज जनरेट करके देगा जिसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को ब्लेंडर में यूज़ करने के लिए हमें एक ऐड ऑन यूज़ करना होगा और जो ऐड ऑन हम यूज़ करने वाले हैं वो स्टेबल डिफ्यूजन AI जनरेटर है, उस पर बेस्ड है। तो मैंने दो ऐड ऑन्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। जो पहला ऐड ऑन है वो है ड्रीम टेक्सचर्स और इसके जो डेवलपर्स हैं वो ये तीन लोग हैं। और जो दूसरा ऐड ऑन है वो है CEB स्टेबल डिफ्यूजन और इसके जो डेवलपर हैं वो ये हैं। फिलहाल के लिए जो हम ऐड ऑन यूज़ करने वाले हैं वो है ड्रीम टेक्सचर्स और इसे डाउनलोड करने के लिए हम पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे डाउनलोड जिप पर। और ये जब डाउनलोड हो जाए तो हम अपना जो ब्लेंडर है वो रन कर लेते हैं। पर इस ऐड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा और वो ये है कि हमें ब्लेंडर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो हम ब्लेंडर में चलेंगे और एडिट पर जाएंगे, प्रेफरेंसेज में जो हमारा ऐड ऑन का टैब है इस पर क्लिक करेंगे और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हुई है हम वहाँ पे जाएंगे और हमारी जो ये zip फाइल है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा इस zip फाइल को हमने अनजिप नहीं करना है, जैसे डाउनलोड हुई है हमें वैसे ही यूज़ करना है। और फिर क्लिक करेंगे हम इंस्टॉल ऐड ऑन पे और अब हम इसे इनेबल करेंगे और ये जो छोटा एरो है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसे एक बार मैं सेंटर में ले आता हूँ। तो जो ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि जो ये फाइल्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। पर अगर आपने ब्लेंडर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया होगा तो ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गई है। हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। और फिर नीचे आएंगे और जो ये वाला बटन है डाउनलोड वेट फ्रॉम हगिंग फेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाएगी जो कि इस तरह से दिखेगी। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हमारे पास ये पेज आएगा और फिर जो ये फाइल है इसे डाउनलोड करना है और ये फाइल ही 4GB की है। फाइल डाउनलोड करने के बाद में हम और नीचे आएंगे यहाँ पे और जो ये है ओपन टारगेट डायरेक्टरी, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक फोल्डर खुल जाएगा और इस फोल्डर में जो हमारी डाउनलोडेड फाइल है हम उसे कॉपी कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इस फाइल को रीनेम करना होगा model.ckpt पे। तो हम इस फोल्डर में वापस चलते हैं और इस फाइल को हम रीनेम करते हैं model.ckpt। ओके। और जैसे ही हमने इसे रीनेम किया आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और बटन आ गया वैलिडेट इंस्टॉलेशन का, हमें इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आ गया इंस्टॉल वैलिडेशन सक्सेडेड और एक बार ब्लेंडर को हम दोबारा से रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो हमने ब्लेंडर को रीस्टार्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे 3D व्यूपोर्ट से इमेज एडिटर पर और जो ये व्यू ऑप्शन है हमें यहीं पर रहना है। अब हम कीबोर्ड पे एन प्रेस करेंगे और जो ये ड्रीम टैब है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से ऑप्शंस देख सकें। तो हमारा जो पहला प्रीसेट है वो है टेक्सचर। और हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम AI की हेल्प से टेक्सचर भी जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है सब्जेक्ट। हम यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम जनरेट करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वुडन फ्लोर और जो ये है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हम इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं और इस टेक्सचर को हम यहाँ पर सीमलेस भी बना सकते हैं। तो मैं इस सीमलेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अब जनरेट। तो हमारा जो ये टेक्सचर है वो जनरेट हो रहा है। तो इसकी जो स्पीड है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है आपके ग्राफिक कार्ड पे। तो ये हमारा जो टेक्सचर है वो जनरेट हो गया। तो अब ये देख लेते हैं हमारा जो ये टेक्सचर है वो सीमलेस है या नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे व्यू टैब पे और जो रिपीट इमेज है हम इस पर क्लिक करेंगे और अब हम जूम आउट करते हैं
और आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्सचर है वो कम्प्लीटली सीमलेस है। तो चलिए अब हम कुछ और टेक्सचर्स बना के देखते हैं। हम ट्राई करते हैं ब्रिक वॉल। ओके, तुम्हारा जो ये ब्रिक वॉल का टेक्सचर है वो जनरेट हो गया है और वो भी सीमलेस। और इन इमेजेस को हम अपने पर्सनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इन्हें सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें यहाँ इमेज पे क्लिक करना होगा और सेव एज। ओके, तो अब हम कुछ और टेक्सचर्स भी जनरेट करके देख लेते हैं। जो हमारे टेक्सचर्स हैं वो जनरेट हो गए हैं। ओके, तो इस जनरेटर में कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं और वो यहाँ से ओपन होती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सीड्स, स्टेप्स और CFG स्केल्स और सैम्पलर्स। यहाँ से हम सैम्पलर्स चूज़ कर सकते हैं कि ये जो इमेज है वो किस तरह से सैम्पल आउट हो, और जो ये सेटिंग्स हैं इन्हें आप खुद एक्सप्लोर करें। फिलहाल के लिए हम वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो ये जनरेटेड इमेज है इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस अपने 3D व्यू पोर्ट में चलेंगे। जो ये क्यूब है हम इसे एक बार डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं प्लेन, और नीचे यहाँ पे हम अपनी जो टाइमलाइन है उसकी जगह हम शेडर एडिटर ले लेते हैं, और हम यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ये मटेरियल टैब है हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ पे लग गया है, और जो ये बेस कलर की जो येलो डॉट है हम इस पर ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेज। ओके, तो जो हमारी इमेज टेक्सचर की जो नोड है वो लग गई है, और हम यहाँ से जो हमारा जो ब्रिक टेक्सचर है उसे कॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रिक टेक्सचर है वो यहाँ पे लग गया है। तो इस तरह से हम जो हमारे AI से जनरेटेड टेक्सचर्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि टेक्सचर बनाने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये क्लोज कर देता हूँ और फिर से चलते हैं हम इमेज एडिटर में। ओके, तो हमारा जो ये प्रीसेट है हम इसे चेंज करेंगे टेक्सचर से फोटोग्राफी पे, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा सेटिंग्स आ गई है। ये जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है इसे बंद कर लेते हैं, और जो ये सीमलेस ऑप्शन है हम इसे हटा देते हैं। अब जो इमेजेस जनरेट होंगी वो थोड़ा फोटोग्राफिक स्टाइल में होंगी। हमारा जो ये सब्जेक्ट है हम इसे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लास बॉटल ऑन अ वुडन टेबल। जो सब्जेक्ट है उसे सेट कर दिया। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास फ्रेमिंग। तो हम जैसे ही फ्रेमिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मुझे क्लोजअप चाहिए, और उसके बाद में आता है पोजीशन। जो पोजीशन ऑप्शन है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो कैमरा की जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लो एंगल। फिर हमारे पास है फिल्म टाइप, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सेलेक्टेड है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा सिनेमैटिक। फिर आती है हमारे पास कैमरा सेटिंग्स, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। फिर हमारे पास ऑप्शन है शूटिंग कॉन्टेक्स्ट का, इसे मैं यही रहने दूंगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन है लाइटिंग का, यहाँ पे हम लाइटिंग का जो मूड है वो सेट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ड्रामेटिक लाइटिंग। और जो हमारी विड्थ और हाइट है इसे हम सेम रहने देते हैं, और अब क्लिक करते हैं जनरेट। ओके, तो हमें ये जो रिपीट में दिख रही है इसके लिए हमें यहाँ पे व्यू पे वापस जाना होगा, और जो ये रिपीट इमेज है इसे अनचेक करेंगे। और आप देख सकते हैं इसने एक जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा था उस तरह की एक इमेज जनरेट कर दिया है, वो भी फोटोग्राफिक स्टाइल में। अब हम जो ये सब्जेक्ट है इसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लास वाटर बॉटल और क्लिक करेंगे जनरेट पे।
आप देख सकते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम एक और इमेज जनरेट करेंगे और जो उसका सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है इंटरनेट पे, और वो है मैकेनिकल बग ऑन अ वुडन टेबल। और जो इसकी फ्रेमिंग है उसे हम चेंज करते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप पे, और ये जो चीज़ें इन्हें सेम रहने देंगे और क्लिक करेंगे जनरेट पे। ओके, तो रिजल्ट आपके सामने, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो ये इमेज जनरेट करने का जो प्रोसेस है, यानी कि इसकी जो स्पीड है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड पे। अगर यहाँ पे इसका जो रेजोल्यूशन है उसे आप बढ़ा देंगे और आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो छोटा है, तो या तो इमेज जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या फिर बिल्कुल ही जनरेट नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। पर वीडियो के एंड में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिससे आप किसी भी इमेज को अपस्केल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और हमारा जो नेक्स्ट प्रीसेट है वो है कंसेप्ट आर्ट, और जो ये प्रीसेट है वो हमें कंसेप्ट आर्ट्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम सेम रखेंगे और देखेंगे कि सिर्फ प्रीसेट चेंज करने से क्या चेंज होता है। हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो गई है, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना अमेजिंग आया है। हमने सिर्फ प्रीसेट चेंज किया है, फोटोग्राफी से कंसेप्ट आर्ट में किया है, और जो इसका रिजल्ट आया वो बिल्कुल अलग आया है। आप ये देख सकते हैं कि हम इस AI के एड ऑन से हम कितनी अमेजिंग रिजल्ट्स बना सकते हैं। और हाँ, जो ये सब्जेक्ट है, अगर आपको इसको चूज़ करने में या लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो, तो आपको मैं एक वेबसाइट और बताता हूँ जहाँ पे आप बहुत इजीली ये सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और आपको ये जो डाउनलोड के लिंक और जो ये वेबसाइट के लिंक्स हैं, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। और जो वेबसाइट है वो है Promptomania। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई द प्रॉम्प्ट बिल्डर, और फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप करता हूँ अपना फर्स्ट सब्जेक्ट रॉबोट, और फिर हम यहाँ पे बाकी की डिटेल्स ऐड करेंगे। ओके, जो सेटिंग्स हैं वो मैंने कर ली हैं। आप इन सेटिंग्स के साथ और भी प्ले कर सकते हो, और सेटिंग्स करने के बाद में जो नीचे बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा, और फिर से हम ब्लेंडर में जाएंगे और जो ये सब्जेक्ट है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो जो हमारा जो प्रीसेट है मैं इसे कस्टम कर देता हूँ, ताकि जो हमारी बाकी की जो सेटिंग्स हैं ये वाली, इसका कोई भी इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पे ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। अगर नहीं पसंद आता तो हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपने सब्जेक्ट में और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी छोटी इमेजेस हैं इसे हम हाई रेज इमेजेस कैसे बनाएं। तो उसके लिए पहले हमें जो हमारी इमेजेस हैं उन्हें सेव करना होगा। अपस्केलिंग के लिए मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये हार्डली 50 MB के आसपास का है, और इसका नाम है रियल एजरियन, और ये आप GitHub से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से पढ़ के कर सकते हो। अगर आपको ये सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं आपको वो एक वीडियो की हेल्प से बता दूंगा। तो चलिए अब हम इमेज को अपस्केल करके देखते हैं। तो मैंने जो ये इमेज है वो मैंने सेव कर ली है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो इसकी डायमेंशन हैं वो है 512x512, और जो इसका साइज़ है वो है 373.4 KB। अब हम इस इमेज को अपस्केल करते हैं और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर से चेक करेंगे। और अपस्केलिंग के लिए मैं इस इमेज को ड्रैग करके जो ये हमारे पास बैट फाइल है इस पर ड्रॉप करूँगा, और जो हमारी अपस्केलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अपस्केल होने के बाद में ये जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली खुल गई है, और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अब जो इसकी डायमेंशन हैं वो हैं 2048x2048, जो कि पहले 512x512 थी, मतलब 4 times ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास छोटा ग्राफिक कार्ड है तो हम छोटी इमेज जनरेट कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि
आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।